हाय गाइस, वेलकम टू टुडे साउथ, जहां कराते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया से आपका डायरेक्ट कनेक्शन। मैं हूं सपना और आज हम बात करेंगे एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की। बता दें कि रश्मिका मंदाना ने गीता गोविंदम जैसी फिल्म साल 2018 में दी थी और कोई शक नहीं है कि इस फिल्म ने उनके करियर को एक अलग ऊंचाई पर पहुंचा दिया। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और यही वजह है कि रश्मिका मंदाना इन दिनों हर एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर की पहली पसंद बन चुकी है। लेकिन उसके बाद आई उनकी फिल्म डियर कॉमरेड ने कुछ खास अच्छा नहीं किया। इसके बाद इन्हें महेश बाबू के साथ फिल्म सारे लेरू में देखा गया और ये फिल्म भी एक ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म को दर्शकों ने काफी प्यार दिया। इसके बाद इन्हें फिल्म विस्मा में देखा गया, जिसे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया, क्योंकि कोरोना वायरस के इस लॉकडाउन में थिएटर्स खुलने की उम्मीदें खत्म हो गई थी और यही वजह थी कि इनके इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया। अब जब शूटिंग्स नहीं हो रहे हैं तो ऐसे में स्टार्स काफ़ी बोर हो रहे हैं, तभी तो इंस्टाग्राम अकाउंट पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। बता दें कि रश्मिका मंदाना ने भी अपने इंस्टाग्राम पे एक लाइव सेशन किया, जहां पे उन्होंने अपने फैंस से अपने बारे में कई सवाल किए, जैसे कि क्रिक पार्टी में उनका क्या किरदार था, उन्होंने अब तक कितनी फिल्मों में काम किया है। उनके फैंस ने उनका ये जवाब बहुत ही प्यार से दिया। बता दें कि रश्मिका मंदाना जल्द ही अल्लू अर्जुन के साथ रोमांस करती नजर आएंगी और फिल्म का नाम होगा पुष्पा। आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके बताएं और इनसे जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।